Hello students, I hope you all are fine and safe at home. So due to this quarantine period, we are providing you two lectures on an online platform. I myself, Deepa Savlani, a teacher from MJ Patel and JB Patel English Medium School. I conduct English 2 subject in standard 6th, 7th and 8th. So here is a grammar book of 7th standards, you can see. So today I'll teach you to the lesson number first, which named sentence. So here you can see lesson number first, which named the sentence. So first of all, we know the definition of sentence. As you know, a group of letters which makes a complete word, a group of words which makes a complete sentence. जैसे कि आप सब जानते हो, शब्दों के समूहों से एक अक्षर बनता है और अक्षरों के समूहों से एक पूरा वाक्य बनता है. यू कैन सी हियर द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस. कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस. ओके, कॉम्बिनेशन मीन्स श्रृंखला. तो कौन कौन सा उसमें आ जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, वर्ब एंड एन ऑब्जेक्ट. सो दिस आर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स. सब्जेक्ट मीन्स नाउन और प्रोनाउन. वर्ब मीन्स एन एक्शन वर्ड. एन ऑब्जेक्ट मीन्स कोई एनीथिंग और प्लेस. फॉर एग्जाम्पल, प्रशांत इज रनिंग ऑन द ग्राउंड. प्रशांत जो है वो ग्राउंड पर दौड़ रहा है. तो प्रशांत हियर इज अ नाउन एंड रनिंग इज ही इज वर्किंग. तो एक्शन, वो एक्शन कर रहा है दौड़ने की. एंड ग्राउंड जो है वो प्लेस है. सो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस. नाउ वी कम टू द पॉइंट. How many kinds of sentences are there? So there are 4 kinds of sentence. First, an assertive or declarative sentence. Second, an interrogative sentence. Third, an imperative sentence. And fourth, an exclamatory sentence. So here we will learn in detail one by one these all sentence. So first of all, we know what is an assertive or declarative sentence. Okay, so here is a definition. A sentence that states or asserts, declares something is called a declarative or assertive sentence. Okay, एक ऐसा वाक्य जो कुछ डिक्लेयर करता हो या कुछ असर्ट होता हो सेंटेंस में, वाक्य में, उसको हम बोलेंगे असर्टिव या तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस. नाउ वी सी सम एग्जांपल्स ऑफ एन असर्टिव सेंटेंस. सो हियर आर द टू एग्जांपल्स. द चिल्ड्रन मेड सैंडल कैसल ऑन द बीच. ठीक है, बच्चे जो है वो बीच पे सैंडल कैसल मीन्स रेत का महल बना रहे हैं. ही एट ब्रेकफास्ट फ्रॉम हिज टिफिन बॉक्स. ठीक है, ही मीन्स प्रोनाउन मीन्स लड़का. एक लड़का जो है वो अपने टिफिन बॉक्स में से ब्रेकफास्ट खा रहा है. ठीक है, I also giving you some other examples like she is a girl, he is a boy, I am a teacher, she is a doctor, he is an engineer, he is an actor. So these all this sentence declare something. मतलब वो कुछ बता रहे हैं कि मैं टीचर हूँ, वो डॉक्टर है, वो एक्टर है. और एंड इन दिस टू सेंटेंस here we assert something or declare something. के बच्चे जो है वो बीच पर रेती का महल बना रहे हैं. सो दिस ऑल आर सेंटेंस वी कॉल
assertive or declarative sentence, and you have to remember at the end of the sentence we have to put full stop marks. Here you can say after box, after beach, we have to put full marks, full stop mark. Okay, now we see here is a kinds of assertive sentence. So there are two kinds of sentence, affirmative sentence and negative sentence. As you know, affirmative means पॉजिटिव सेंटेंस जो हकारात्मकता बताता हो, जैसे फॉर एग्जांपल राधा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो राधा जो है वो ब्यूटीफुल गर्ल है. ही इज इम्पोलाइट, वो इम्पोलाइट है. अब नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं जिसमें नोट करके हम नेगेटिव सेंटेंस बना देंगे. फॉर एग्जांपल राधा इज नॉट अ ब्यूटीफुल गर्ल, वो ब्यूटीफुल गर्ल नहीं है. ही इज नॉट अ पोलाइट, वो पोलाइट नहीं है. सो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड दिस डेफिनेशन एज वेल एज एन एग्जाम्पल ऑफ असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस. नाउ वी कम टू द पॉइंट एंड सेकंड नंबर एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस. एज यू ऑल आर अवेयर दैट वॉट इज इंटरोगेटिव मीन्स टू आस्क अ क्वेश्चन. अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटरोगेटिव सेंटेंस. ठीक है, ऐसा वाक्य जो प्रश्न पूछता हो उसको हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे. फॉर एग्जांपल्स व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ सेल्फिश, हैव यू सीन द स्टैचू ऑफ लिबर्टी. ओके, सो एंड यू हैव टू रिमेंबर वी हैव टू पुट क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस लाइक दिस एंड दिस. ओके, नाउ वी नो the kinds of interrogative sentence. First of all we see yes or no questions. These are questions which have yes or no for answers. ठीक है, yes or no वाले जिसमें सिर्फ yes और no में ही answer देना है. We don't go lengthy. Okay, for examples are you going to the market, you have to say only yes I am or no I am not. You don't have to declare that I am not going to market. So don't make it lengthy. Just you say in short yes or no. Okay, then we next come to the point. Question word questions. Question word वाले तो as you know WH और how. तो WH वाले कौन से होते हैं? As I learned you in previous lectures. Okay. तो डब्ल्यू एच वाले होते हैं जैसे हु से क्वेश्चन करना, व्हिच से करना, व्हाट से करना, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर एटसेट्रा आर यूज टू अ फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस. ओके, सो व्हाट आर यू डूइंग, आई एम डूइंग माय होमवर्क. वेयर यू बिलोंग, तुम कहाँ रहती हो. हाउ डू यू नो मी. ओके, so these all are the sentence called WH, question word wale sentence. Okay, now we come to the point and alternative questions. Alternative questions have more than one question at a time, means choice wale, vikalp wale, ek hi saath mein do aa jate ho sentence aise. For example are you doing your homework or फिडलिंग विथ योर पेन. एक ही साथ में दो क्वेश्चन कर लिए हमने. आर यू ईटिंग और ड्रिंकिंग, क्या तुम खा रही हो कि पी रही हो. इज ही गोइंग टू द फार्मेसी और टू द बैंक, क्या वो मेडिकल स्टोर पे जा रहा है कि बैंक में जा रहा है. सो हियर इज अ चॉइसिस. चॉइसिस वाले क्वेश्चन मीन्स अल्टरनेटिव क्वेश्चन. नाउ वी कम टू द पॉइंट रिटोरिकल questions. Rhetorical means figure of speech, you can say decorative sentence. So, decorative question wale sentence jisme zyada tar phrases hote hain. Like first of all we know the definition. Rhetorical questions are questions only in a form. They are statements put in question form for the sake of emphasis or dramatic effect. Emphasis means टू स्ट्रेस, बार देना और ड्रामेटिक इफेक्ट. सेक मीन्स उसका बचाव करना. ठीक
ठीक है. इफेक्ट यूजुअली द आंसर इज अंडरस्टूड. कुछ ऐसे सेंटेंस जो फिगर ऑफ स्पीच में बोले जाते हो, मीन्स डिकोरेटिव करके बोले जाते हो, जैसे जिसका अर्थ बिल्कुल अलग होता है लेकिन समझने का, लेकिन बोलने का तरीका जो है वो अलग होता है. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर, हैव यू प्लांटेड ट्री फॉर ग्रोइंग मनी. क्या तुम ट्री प्लान कर रहे हो फॉर ग्रोइंग मनी, पैसे उगाने के लिए. इज देयर अ मदर इन दिस वर्ल्ड हु डज नॉट केयर फॉर हर चिल्ड्रन, हर चाइल्ड. क्या दुनिया में ऐसी कोई माँ है जो अपने बच्चे का ख्याल ना रखती हो. सो हियर यू कैन से द मीनिंग इज अंडरस्टूड. इन बोथ द क्वेश्चन द आंसर इज अंडरस्टूड. नाउ वी कम टू द पॉइंट, एम्फेटिक क्वेश्चन. एम्फेटिक क्वेश्चंस आर यूज टू एम्फेसाइज द फीलिंग ऑफ इरिटेशन, एंगर और सरप्राइज. एम्फेसाइज, एम्फेटिक मीन्स इफेक्टिव, इफेक्टिव वाले क्वेश्चंस. सो नाउ वी सी द एग्जांपल. व्हाट ऑन अर्थ वेयर यू वर यू डूइंग इन योर रूम, हु आस्क यू टू बैंग द डोर. सो हियर आर द इफेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस. नाउ वी सी क्वेश्चन टिक्स. सो क्वेश्चन टिक वाले ये तो आप पहले भी सीख चुके हो, जैसे स्टेटमेंट कंफर्म करने के लिए. फॉर एग्जांपल्स, शी हैज प्रिपेयर्ड डिलीशियस डिनर, हैजंट शी. वो डिलीशियस डिनर बनाती है. तो ये हम लास्ट में जो है वो स्टेटमेंट कंफर्म कर रहे हैं, क्या वो नहीं बनाती. देन वी पुट द क्वेश्चन मार्क्स. यू हैवंट डन योर होमवर्क, हैव यू. ओके, शी हैज प्रिपेयर डिलीशियस डिनर स्टेटमेंट, हैजंट शी, शॉर्ट क्वेश्चन. और हम इसमें यह ध्यान रखना होगा कि जब भी ये जो सेंटेंस है अगर वो पॉजिटिव में दिया हुआ हो, लाइक शी हैज प्रिपेयर डिलीशियस डिनर, वो पॉजिटिव में दिया हुआ है तो देन वी हैव टू कन्फर्म द स्टेटमेंट इन नेगेटिव सेंटेंस. ओके, हैजंट शी. अगर आगे वाला जो सेंटेंस है वो नेगेटिव में दिया हुआ हो, यू हैवंट डन योर होमवर्क, क्या वो होमवर्क नहीं करता, हैव यू, तो लास्ट वाला जो है वो पॉजिटिव में आएगा. ओके, दिस इज द ऑपोजिट. ओके, नाउ आई होप यू अंडरस्टूड द टाइप्स ऑफ एन इंटरगेटिव सेंटेंस. ओके, नाउ वी कम टू द पॉइंट थर्ड नंबर, एन इम्परेटिव सेंटेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो द डेफिनेशन ऑफ एन इम्परेटिव सेंटेंस. इम्परेटिव सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ कमांड, ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन और मेक्स अ रिक्वेस्ट और एंट्रीटी इज कॉल्ड एन इम्परेटिव सेंटेंस. ठीक है, इम्परेटिव एंड और and we have to remember that we have to put a full stop marks at the end of the sentence, silence. For example, silence. So here is a command, please lend me your pencil. So I am requesting you to lend me your pencil. Forgive me, oh God. So here is a entreaty, means prayer. ठीक है, तो जब command, order, advice, suggestion, एसेट्स या रिक्वेस्ट या एंट्रीटी ऐसे वाले वर्ड आते हो तो हम उसको इम्परेटिव सेंटेंस बोलेंगे. हियर आई एम ऑल्सो गिविंग यू सम अदर एग्जाम्पल्स, लाइक इफ आई से स्टैंड अप तो यू ऑर्डरिंग माई, ठीक है, आप मेरा ऑर्डर कर रहे हो, आप स्टैंड अप हो गए. इफ आई से प्लीज सिट डाउन तो आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू सिट डाउन, तो आपने मेरा. So now we come to the point, an exclamatory sentence. An exclamatory sentence, a sentence that expresses strong or sudden feeling is called an exclamatory sentence. ठीक है, and we have to remember at the end of the sentence we have to put an exclamation mark. तो आप सभी जानते हो कि exclamatory sentence किस किस टाइप के होते हैं. For examples,
वॉट अ पीटी, वॉट अ क्यूट चाइल्ड, मीन्स सडन फीलिंग्स आ जाती हो, सडन फीलिंग्स या स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आ जाती हो। सपोज आपके किसी क्लासमेट का 98% आ गया, तो आप तुरंत से बोल उठोगे, वाओ यू गॉट अ 98%। ओके, अगर आपने कोई अच्छा फूल देख लिया हो, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज़, तो दिस ऑल आर द टाइप ऑफ एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, हियर आर सम एग्जांपल्स, व्हाट अ ब्रदर ही इज, ठीक है, ये प्रोनाउन वाले हैं। फिर व्हाट अ स्टूपिड बॉय, वर ये डिरोगेटरी वाले सेंस है। हाउ ब्यूटिफुल शी इज, ठीक है, और ये एडजेक्टिव वाले हैं। सो हियर आर ए बी सी, एक जो होते हैं व्हाट इज यूज्ड विथ नाउन और प्रोनाउन, व्हाट जो है नाउन या प्रोनाउन में यूज होते हो, ठीक है। समटाइम्स व्हाट इज यूज्ड इन डेरोगेटरी सेंस ऑल्सो, ठीक है। डेरोगेटरी मीन्स यू कैन से स्टूपिड बॉय, सिली बॉय, डम बॉय एसेट्रा, मीन्स कुछ नेगेटिव सेंस में ही होते हो। फिर थर्ड नंबर का है सी, हाउ इज यूज्ड विथ एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब, ठीक है। तो एडजेक्टिव एज यू नो ब्यूटीफुल मीन्स नाउन में कुछ ऐड करना, उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। नाउन या प्रोनाउन में कुछ ऐड होना, दैट मीन्स एडजेक्टिव। और एडवर्ब भी आप सीख चुके हो, तो हाउ ब्यूटीफुल शी इज, तो ये शी प्रोनाउन है और इसने हमें ऐड किया ब्यूटीफुल, तो ये हुए एडजेक्टिव वाले। सो नेक्स्ट वी कम टू द पॉइंट सी नंबर, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो व्हाट इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ओके, सब्जेक्ट एज यू नो नाउन और प्रोनाउन, द पार्ट विच स्पीक्स अबाउट द पर्सन और थिंग इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ओके, द पार्ट विच टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। ओके, मैं शॉर्ट में समझाती हूँ आपको। प्रोनाउन, हियर इज अ प्रोनाउन। ओके, प्रोनाउन इज अ सब्जेक्ट, तो ये प्रोनाउन को हम अंडरलाइन कर देते हैं, वो सब्जेक्ट हो गया, और उसके बाद जितने भी वर्ड्स हुए उसको हम प्रेडिकेट बोलेंगे, ठीक है। सो प्रोनाउन हियर इज अ सब्जेक्ट एंड रन्स ऑन द बीच एवरी डे इज अ प्रेडिकेट। इन द अबव सेंटेंस प्रोनाउन इज अ सब्जेक्ट एंड रन्स ऑन द बीच एवरी डे इज द प्रेडिकेट। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल टीच द सेंटेंस सिंपल कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। बाय बाय, सी यू टुमारो।